वर्ल्ड कप की टीम में नहीं शामिल हो पाएंगे उमरान मलिक, जहां पे इस बड़े कारण के चलते उमरान मलिक 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए हैं और ये एक बड़ा खतरा जो उमरान मलिक की वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन के ऊपर मंडरा रहा है। क्या है सारा माजरा और उमरान मलिक के साथ आईपीएल का कौन सा एक और स्टार तेज गेंदबाज है जो नहीं पहुंच पाया था ऑस्ट्रेलिया 6 अक्टूबर को, क्या है सारी रिपोर्ट वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, जहां हम सब जानते हैं भारतीय क्रिकेट का एक उज्ज्वल सितारा है उमरान मलिक, जो 150 के ज्यादा की स्पीड से लगातार कर सकता है गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे उमरान मलिक और ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हमेशा से तेज गेंदबाजों के सपोर्ट में रही है। जब से जसप्रीत बुमराह की इंजरी हुई है और उसके बाद दीपक चहर का भी वर्ल्ड कप में जाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, वहां से काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं कि युवा सेंसेशन उमरान मलिक को मौका दिया जा सकता है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बतौर नेट गेंदबाज, जहां पे बाकी सारी टीम 6 अक्टूबर को पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया। खबरें ये भी थी कि उमरान मलिक ने भी टीम के साथ ट्रैवल करना है 6 अक्टूबर को, जहां पे कुछ तेज गेंदबाजों का निरीक्षण होगा। ऐसी बात रूप गई थी कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे T20 मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका के सामने कि कुछ वार्म अप डेज में हम कुछ युवा गेंदबाजों को साथ लेके जा रहे हैं, जहां पे उनके टैलेंट को आजमाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, जिनमें से सूत्रों के हवाले से नाम आ रहा था कि नाम उमरान मलिक का भी है, कुलदीप सैन का भी है। तो जहां पे 6 अक्टूबर को बाकी सारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, यहां तक पर्थ में जाके भारत ने अपना पहला वार्म अप मुकाबला भी खेल लिया है, तो उमरान मलिक और उन्हीं के साथ में कुलदीप सैन, ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जाना तो था ऑस्ट्रेलिया लेकिन नहीं जा पाए हैं। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो आपको बता दिया जाए, वीजा ना मिलने के कारण उमरान मलिक और कुलदीप सैन ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए, जहां पे हम देख रहे हैं आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले का पहला दिन है, जहां पे उमरान मलिक मोहाली में जम्मू के लिए अभी तो खेल रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से वो भी खबर आ रही है कि 12 तारीख को बाकी खिलाड़ी जो भारत के रिजर्व्स की लिस्ट में हैं और अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज के बाद, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि उमरान मलिक, कुलदीप सैन, ये दोनों खिलाड़ी तब करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल, और उम्मीदें यही है कि 13 तारीख को होने वाले आपके वार्म अप मुकाबले में जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला जाने वाला है, वहां उमरान मलिक और कुलदीप सैन की गति को भी आजमाया जा सकता है, जिसके चलते उसके बाद ही अपडेट हो पाएगी भारत की स्क्वाड की जसप्रीत बुमराह को कौन सा खिलाड़ी रिप्लेस कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी आपके रिजर्व की लिस्ट में शामिल होगा, ये सारे बड़े अपडेट्स अभी आने बाकी हैं। लेकिन हाल की खबर यही है कि उमरान मलिक और कुलदीप सैन, जिन्होंने जाना था वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बतौर नेट बॉलर्स और बतौर एक्स्ट्रा बॉलर्स, वो नहीं जा पाए थे वीजा के कारण, जहां पे उम्मीद यही है 12 या 13 तारीख को जो बाकी टीम जाने वाली ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ वो दोनों कर सकते हैं ट्रैवल। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, उमरान मलिक की पेस भारतीय क्रिकेट टीम को कितनी मदद दे सकती है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट वो भी सबसे पहले।